हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा तुरंत आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपने आज यहां पे थंबनेल को देखा है और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज जो हम बात करने वाले फ्रेंड्स, एक ऐसे एसएमडी इसे बहुत ही ज्यादा लोगों कंफ्यूज है कि उसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए और उसका इस्तेमाल किस में बेटर है, अच्छे क्वालिटी से हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और इसे आईफोन में यूज करना है या एंड्रॉयड में हमको लेना जरूरी है। तो इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं क्विक 861DW के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्विक 861DW यहाँ पे एक SMD रखी हुई है जो कि ऑटो कट है और ये अभी मार्केट में इसका 15 से 16 हजार रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ESD वाली एक SMD है जो कि लेट फ्री यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज में दे दी गई है। और अगर बात करें यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऑन ऑफ का स्विच इसमें दे दिया गया है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो भी है इसका शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको हीट कितनी रखनी है, टेम्परेचर मतलब हीट कितनी है, और यहाँ पे बाजू में एयर मतलब यहाँ पे एयर कितनी सेट करनी है। तो यहाँ पे एयर के लिए आप जैसे एयर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे प्रेस करके आपको रखना है, एयर बढ़ती रहेगी। अगर कम करना है तो यहाँ पे एयर इस तरह से कम होगी। और यहाँ पे इसकी हीट है, आप कितनी हीट पे काम करना चाहते हो, 300 हो गया, 350, इसके अंदर आपको 500 तक आपको हीट आप सेट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड हीट की जो आपके इसमें 500 तक मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम इसमें 500 तक हीट इसमें सेट कर सकते हैं अगर आप CPU या फिर कुछ IC बड़ी IC खोलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 चैनल इसमें दे दिए गए हैं मेमोरी की तरह। जैसे यहाँ चैनल 1 पे मैंने 300 सेट कर दिया है 60 हीट के ऊपर, तो मुझे अभी कोई दूसरी IC खोलनी है जिसको मुझे ग्लू कट करना है या फिर कोई और छोटी IC है तो मैं 250 की हीट पे 50 एयर के साथ निकालना चाहता हूं, तो मैंने इसको यहां सेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसे मैन्युअली बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 90 सेट कर दिया है यहां पे 90। और यहां पे अगर चैनल 3 पे मैंने 350 और 60 की स्पीड पे रख दिया है। अगर आप चाहो तो एयर आपको 100 करनी है तो 100 भी कर सकते हो, 120। और अगर यहाँ पे आपको ये 350 की जगह 400 करना है तो यहाँ पे आप इस तरह से इसकी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आपको इंक्रीज करने के लिए हीट और ये आपको डिक्रीज करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हीट बढ़ेगी और कम होगी और यहाँ पे एयर बढ़ेगी और एयर कम होगी। और ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दे दिया गया है। दोस्तों, ये एक क्विक का 861 DW SMD है जो कि 15-16 हजार में मार्केट में मिलता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे आईफोन के जो टेक्नीशियन होते हैं ये SMD यूज करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड का काम करते हैं तो आपको ये SMD नहीं मिलेंगे तो चलेगा, इतनी महंगी लेने की जरूरत नहीं है। जिससे मैंने पिछला वीडियो डाला 857 DW Plus, उससे काफी अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नोजल यहाँ पे है और इसका जो नोजल होता है हैंडल होता है ये थोड़ा सा हेवी वेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नोजल और इसका हैंडल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा हेवी वेट होता है, इस वजह से आपको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे सामने इसके अलग अलग तरह के नोजल मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ इस तरह के और भी नोजल आएंगे। और इसे तो फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो हैंडल है इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पाइप है ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पे इसका नोजल है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका हैंडल है। हम यहाँ पे इसको इस तरह के अलग से आपको नोजल मिल जाएंगे सामने लगाने के लिए, तो ऐसा आप एक बैंड वाला भी लगा सकते हैं आपको। और यहाँ पे किस तरह का मिल जाएगा, इसका एक साइज होता है तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। देखिए इस तरह से आपको लगाना है इसमें, तो इस तरह से ये फिट हो जाएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है तो ये जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडल रखने के लिए जो स्टैंड दिया गया है, यहाँ पे इसके नोजल निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉक दे दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर दूसरा लगाना हो तो आप बाय हैंड आप इस तरह से आप लगा सकते हैं वापस से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैंडल थोड़ा सा हैवी वेट होता है, अगर हम बात करें कंपेयर करें अगर 867 DW Plus से अगर कंपेयर करते हैं। और इसके अंदर जो एयर होती है थोड़ा सा घूम घूम के आती है, और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अभी ऑन करके बताऊंगा, ये देखिए स्विच इसका जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये एकदम साइलेंट ही होता है, ज्यादा आवाज नहीं है, बट एयर की थोड़ी सी इसमें साउंड आती है। अगर 867 DW में बात करें तो एयर की और हीट की बिल्कुल आवाज नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बात करें अगर आईफोन में अगर काम करना चाहते हैं तो ये SMD आपको लेना होगा, ये बहुत अच्छी SMD है। और भी काफी सारे क्विक ने अभी लेटेस्ट और भी लॉन्च किए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा SMD है, लेकिन एंड्रॉयड में इसका अभी आपको जरूरत नहीं है अगर आप 867 DW+ से काम करते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, 16,000 के आसपास मिलता है, क्योंकि इसके अंदर चैनल अलग अलग दे दिए गए हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, लेट फ्री है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। और यहाँ पे मैं आपको फीचर बताना चाहूंगा, देखिए ये इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा हैवी वेट है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और देखिए क्विक के ओरिजिनल प्रोडक्ट पे हमेशा इस तरह का आपको एक स्टिकर लगा रहेगा ओरिजिनल का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मॉडल नंबर है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है 220 वोल्ट AC से वर्क करता है, 1000 वाट का ये SMD है, इस पे वर्क करता है, ये सारी चीज है। और ये SMD आप ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्राइस आपका ज्यादा है, बजट ज्यादा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप 867 DW+ ही लीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको इस पे बताया है, हालांकि इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, CPU वगैरह निकालने के लिए ऐसे बड़े नोजल बहुत अच्छा काम करता है ये। और उससे कंपेयर करें क्योंकि वो 5,000 का है और ये 16,000 का है, तो जाहिर सी बात है इसका क्वालिटी अच्छी है, इसका काम अच्छा है, और इसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं चैनल्स यहाँ पे सेट किए हैं, और हीट यहाँ पे 550 तक आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एयर सेट करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, तो जैसे ये यहाँ पे रुक जाएगा तो हम इसका ये भी सेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर बढ़ाने के लिए, तो एयर यहाँ पे 120 के आसपास यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम करना चाहते हैं तो इस तरह से कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज है। बढ़ाने के लिए वापस से सेम यही 120 तक लास्ट इसमें हम सेट कर सकते हैं एयर, और 500 तक हीट हम सेट कर सकते हैं इसमें, यही चीज है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी चीज है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, इसमें कॉपी भी आती है, आपको देख के लेना है इसकी क्वालिटी को, जो चीजें मैंने बताई है, स्टिकर हो गया, या फिर इसका पाइप की क्वालिटी, या फिर जो हैंडल है इसका, हैंडल का जो वेट है इसको देख के आप ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसी तरह के टूल के ऊपर हम काफी सारे वीडियोस हमारे एशिया टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल पे भी डालेंगे, और टेक्निकल फिरोज और दूसरे जितने भी चैनल है सब पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट जरूर करें कि और किन टूल के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।